हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो ड्रम स्टिक और आलू की सब्जी है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं फ्रेंड्स आलू और मूंगा की सब्जी, जिसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप देख सकते हैं, और मैंने इसका ऊपर का जो छिलका जो है वो निकाल दिया है। आलू जो मैंने लिया हुआ है फ्रेंड्स, वो थोड़े बड़े बड़े, एक छोटे छोटे आलू थे, उसके एक आलू के मैंने चार पार्ट किया हुआ है ना। तो फ्रेंड, और ये मैंने लिया हुआ है, बिल्कुल रफली मैंने प्याज कटिंग कर लिया है। दो से तीन हरी मिर्च हैं, दो तीन टुकड़े अदरक के हैं, और बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग मैंने कर लिया है, 5 से 7 कली लहसुन का। और ये मैंने गिरी दाल से जो बनता है, ये बड़ी जिसको बोलते हैं, वो मैंने लिया है। और ये पैन मैंने लिया है, इसमें सरसों तेल डाला है। फ्रेंड्स, आप ये जो रेसिपी बनाएंगे सरसों तेल के साथ भी बनाएं, तो इसकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले हमने तेल को अच्छा गर्म कर लिया है, और इसे हम सबसे पहले डाल रहे हैं। इसे हल्का सा मैरून होते 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 तक हमें सेकना है, और लगभग ये एक से डेढ़ मिनट तक ये फ्राई हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 1 मिनट में ये फ्राई हो गया है, और इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें फ्रेंड्स सरसों इसमें हम डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल रहे हैं ये अदरक के टुकड़े, ये लहसुन, इसे हम 2 मिनट फ्राई कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। और ये अब जा रहा है हमारा ये प्याज। फ्रेंड्स, ये जब तक फ्राई हो रहा है, तब तक हम टमाटर को जो है थोड़ा सा, ये हमने जितना लिया हुआ है, अगर टमाटर हम ग्राइंडर में कर रहे हैं, इसको फाइन पीसेंगे, और ये आधा जो है हम इसमें डायरेक्ट डालेंगे, और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अभी गैस जो है हमने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है, और इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे करें तो फ्रेंड्स इसे हमें कंटिन्यू चलाना है हमें इसे। अभी तक हमने लहसुन डाला है, अदरक डाला है और प्याज डाला है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्च, और इसको थोड़ा हम सॉफ्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसे हमने हाई फ्लेम पे ही रखा हुआ है, और प्याज को बिल्कुल कच्ची उनको नहीं रखना है। ये देखिए हमारा प्याज भी अच्छे से हो गया है, और ये टमाटर जो हमने फाइन कट करके रखा हुआ था, वो भी हम इसमें डाल दे देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें जा रहा है फ्रेंड्स, ये जो हमने आलू कटिंग किया हुआ था वो जा रहा है इसमें, और ये ड्रम स्टिक जो हमने कट किया था वो जा रहा है इसमें, और इसे अच्छे से हम मिला देते हैं। फ्रेंड्स, मसाला में हम ये हल्दी डाल रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं, धनिया लगभग 2 से 3 चम्मच के आसपास हम इसमें धनिया डालेंगे। हल्दी हमने डाल दिया है 1/2 चम्मच, मिर्च हमने डाल दिया है, अब इसमें डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, और इसे हम अच्छे से मिला। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया इसमें डाल दिया है, और इसे हम थोड़ा सा अभी स्लो फ्लेम पे हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे सेकने के लिए इसे हम रख देंगे। फ्रेंड्स, ये बड़ी जो हमने फ्राई किया हुआ था वो भी हम इसमें डाल रहे हैं, ताकि ये भी अच्छे से
ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका है और सब्जी हम एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी लगभग 50-60% तक सीख चुका है। और ये टमाटर जो हमने फ्राई किया हुआ था, ये देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर जो है वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। इस टमाटर में हमने और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ टमाटर ही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है ये हम लंच के लिए बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि ना ये रेसिपी आपके साथ में शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में वाकई बहुत मेहनत लगती है, तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है मेरा बेटा शूट कर रहा है, तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आप टमाटर फ्राई बोल दिया आपने, टमाटर आपने ग्राइंड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहूँगी। कई बार होता है हम बोलते कुछ और हैं लेकिन मुंह से निकल जाता है कुछ और। टमाटर को नॉर्मली हमने जस्ट ग्राइंड किया है फ्रेंड्स, और इसे हम थोड़ा देर के लिए इसे ढक दे रहे हैं फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए। इसमें अभी हम डालते हैं कसूरी मेथी, आज से हमने बिल्कुल इसे मिला लिया है। और लास्ट में हमने इसमें डाला कसूरी मेथी, थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेंड्स गरम मसाला, आपको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डालें। और इसे अच्छे से हम मिला देते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, ये जो सब्जी होती है ना, वो राइस और दाल के साथ में बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम लोग तो फ्रेंड्स राइस और दाल के साथ में ही इसे खाते हैं, लंच में ही इसे हम प्रीफर करते हैं। आप इसके साथ में खाते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पर ये हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है फ्रेंड्स, और इसे कवर कर दे रहे हैं, कवर करके। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी चेक कर लेते हैं रेडी हुआ है कि नहीं। और फ्रेंड्स, ये बड़ी जो होती है ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से हो चुका है। और मूंगा भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, मूंगा भी हो चुका है फ्रेंड्स, बट इसे ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो फ्रेंड्स ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पूरे, ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ये अभी गर्म है, तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स में ज़रूर कुछ लिखें। थैंक यू गाइस। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर रेडी है, ये आप देख सकते हैं, कलर भी हमारा बहुत ही अंधेरा कैसे आ रहा है फ्रेंड्स, हमारे सब्जी कलर कितना प्यारा आया है ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना है। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगा, हिंदी में बोलते हैं ड्रमस्टिक, इंग्लिश में बोलते हैं, और मूंगा और ड्रमस्टिक की हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी के साथ में ज़रूर बनाएं, और आपके आप बनाकर कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपकी सब्जी जो है वो कैसी बनी। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।